नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विकास मल्होत्रा लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कुछ समय पहले हमने अपने इंग्लिश चैनल पर सैटर्न मून कॉम्बिनेशन पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट आई कि ये वीडियो हिंदी में भी शेयर किया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं शनि चंद्र युति लाल किताब में क्या है और क्या ऐसे उपाय हैं जो आप इस युति का अच्छा इफेक्ट पाने के लिए कर सकते हैं, वो इस वीडियो में आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी जातक की कुंडली में शनि और चंद्रमा का संयोग, चाहे वो दृष्टि से हो चाहे वो युति से हो, कष्टकारी माना जाता है, क्योंकि शनि की धीमी प्रकृति है और चंद्रमा अपनी तेज गति के लिए विख्यात है। शनि ग्रह धीमी गति, लंगड़ापन, आयु, सेवक, पुराने घर, खपरैल, कारावास, जीनशीन अवस्था आदि का कारक ग्रह है, जबकि चंद्रमा माता तरल पदार्थ, सुख, सुख के साथ कोमलता, मोती, मान सम्मान, यश आदि का कारकत्व रखता है। चंद्रमा से हम धन देखते हैं। चंद्र दूध का भी कारक होता है और जब दूध में जहर मिलता है तो सफेद से वो नीला हो जाता है और नीला रंग राहु का माना गया है और शनि का भी कई जगह पर रंग नीला माना जाता है। अर्थात कहीं ना कहीं शनि और राहु का इम्पैक्ट इन दोनों ग्रहों के प्रभाव में जातक पर पड़ता है। जन्म कुंडली में चंद्र और शनि की युति से विष योग बनता है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी इस विष योग पर बहुत सारी रिसर्च की गई है और अलग अलग भाव में उनका क्या फल है उस पर भी बहुत लोगों के अलग अलग व्यूज हैं। शनि और चंद्र की युति जब भी होगी तो वो अपने भाव के हिसाब से फल देगा, अच्छा या बुरा। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही बुरा फल देगा, वो अच्छा फल भी दे सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल थिंकर्स भी हैं जिनकी जन्म पत्रिका में चंद्र और शनि की युति हुई तो उन्होंने अपनी स्पिरिचुअलिटी को नई डायमेंशंस पे ले गए और इसी से उनके फॉलोअर्स हमेशा बढ़ते रहे। ये विषयोग जातक के जीवन में यथा नाम विषाक्तता भी घोलने में सक्षम है। अब ये सब कुछ डिपेंड करेगा किस भाव में ये युति हो रही है, उस पर क्या दृष्टि पड़ रही है, क्या दशा चल रही है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे फल हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है इस योग की वजह से मानसिक बीमारी, भ्रम, रोग या बिगड़े हुए दाम्पत्य या फाइनेंशियल लॉसेस का सामना आपको करना पड़ सकता है। जहां तक उपायों की बात है, उपाय ये देख के किया जाता है कि किस भाव में ये युति बन रही है, उस पर क्या आस्पेक्ट्स हैं और किस दशा में ये युति बन रही है। इसके अलावा वर्षफल की भी पोजीशन देखी जाती है। जर्नली ये देखा गया है कि जब भी लग्न में शनि और चंद्र की युति होती है तो जातक को शारीरिक तौर पर कुछ कष्ट देती है। ऐसा भी हो सकता है कि उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो जाएं। इसी तरह से लग्न में जब शनि और चंद्र बैठते हैं तो इसका प्रभाव सप्तम भाव पर भी नकारात्मक पड़ता है, जिससे जातक का घरेलू दाम्पत्य जीवन भी अफेक्ट हो सकता है। लग्न शरीर का प्रतिनिधि है, इसलिए इस पर चंद्र और शनि की युति नकारात्मक असर देती है। ज्योतिष में शनि ग्रह को जहर का कारक माना जाता है, चंद्र पानी का कारक होता है और जब इसमें शनि का जहर मिल जाता है तो वो जहरीला हो जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर शनि और चंद्र का कॉम्बिनेशन है तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक पर शनि की उदासी हावी हो जाए,
क्योंकि चंद्रमा की चंचलता उस केस में खत्म हो जाती है और तब जातक मानसिक रूप से अशांत रहने लगता है, एक वैराग्य की भावना का भी जन्म होने लग जाता है। चंद्रमा माता का कारक भी होता है और अगर शनि का प्रभाव पड़ रहा है चंद्र पे तो जातक की माता के स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत भी हो सकती है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि अमावस्या की काली रात जो कि शनि देव की मानी जाती है उसमें चंद्र नहीं निकलता है, शनि के अंधेरे में चंद्र गुम हो जाता है, यानी जब शनि का पूर्ण अशुभ प्रभाव चंद्र पर हो तो जातक को चंद्र से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लाल किताब में चंद्र को धन और शनि को खजांची कहा गया है और जब इन दोनों का साथ हो तो जातक के धन की रखवाली जहरीला सांप करता है, यानी जातक के पास धन तो होता है लेकिन वो उसका प्रयोग नहीं कर पाता, यानी धन की थैली पर सांप कुंडली मारकर बैठ जाता है। अगर आपके जन्म पत्रिका में भी ऐसा ही कुछ योग है तो सबसे अच्छा उपाय तो ये रहेगा कि आप इसके लिए ज्योतिषीय परामर्श स्पेसिफिक रूप से लें। अगर आप हमारे से परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, लेकिन कुछ जर्नल रेमेडीज मैं ज़रूर शेयर करूँगा जिससे आप इस कॉम्बिनेशन का अगर आपके ऊपर बुरा असर पड़ रहा है तो वो कॉम्बिनेशन का बुरा असर आप कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है, ये आपको हिदायत दी जाएगी कि आप चमड़े के पर्स को यूज़ करना बंद कर दीजिए, रात को दूध ना पिएं और अगर रात को दूध पीते हैं तो दूध का कलर ज़रूर चेंज कर लें। अपने खाली पड़े मकान में, अगर आपका कोई मकान खाली पड़ा हुआ है तो लोहे की जगह उसमें पीतल का ताला लगाइए और घर में जाले ना बनने दें। काले रंग से परहेज रखें। 43 दिन 100 ग्राम काली स्याही रोज जल प्रवाह करनी है और इसके अलावा कुत्तों और कौओं की सेवा आप ज़रूर करें। और जब भी आपको मौका मिले किसी भी गरीब को खाना खिलाने का तो वो आप ज़रूर करें। इसके अलावा कुछ और रेमेडीज़ आप कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे एक पानी वाला नारियल सिर से 7 बार उसार कर फोड़ दें और फिर इस नारियल को प्रसाद के रूप में बांट दें। दूसरा उपाय, शनिवार के दिन या शनि अमावस्या के दिन संध्या काल सूर्यास्त के पश्चात श्री शनि देव की प्रतिमा या शिला पर तेल चढ़ाएं। एक दीपक सरसों के तेल को जलाए दीपक में थोड़ा काला तिल और काला उड़द डाल दें, यानी एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और इसमें थोड़ा काला तिल और काला उड़द भी डाल दें। इसके पश्चात 10 आक के पत्ते लें और काजल पर थोड़ी सरसों का तेल मिलाकर स्याही बना लें और लोहे की कील से हर पत्ते पर भगवान शनि देव का मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः, अगर आप इस मंत्र में देखेंगे ओम शम शनिश्चराय नमः, ये 10 अक्षर हो जाते हैं और 10 पत्तों पर आपने लिखने, फिर इन पत्तों को काले धागे में माला का रूप देकर शनि देव की प्रतिमा या शिला पे चढ़ाएं और इस कार्य को करते हुए मन ही मन शनि देव का मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप जरूर करें। अगला उपाय, गुड़ की रेवड़ी, तिल के लड्डू किसी भी शनि देव के मंदिर में प्रसाद के तौर पर चढ़ाएं और फिर इस प्रसाद को बांट दें। आप शनि मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में घड़े में पानी भरकर दान कर सकते हैं और पूर्णिमा के दिन किसी भी शिव मंदिर में रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं। इसके अलावा शनिवार के दिन कोई कुआं अगर आपको मिल जाए उसमें दूध चढ़ाया जा सकता है, थोड़ा सा ही दूध चढ़ाना है, ज्यादा नहीं चढ़ाना, वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। श्री सुंदर कांड का पाठ आप करें नित्य रूप से, खासकर मंगलवार वाले दिन, और भगवान हनुमान से प्रार्थना करें कि आपके दुखों से आपको मुक्ति मिले। आप हनुमान जी को शुद्ध घी का दीपक जला सकते हैं और सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं
और फिर हनुमान जी के दाहिने पैर का सिंदूर लेकर अपने माथे पे लगाएं। आप अगर ये उपाय करते हैं तो आपको इस युति से जो नुकसान हो रहे हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे और आपको शनि देव की भी पूरी कृपा मिलेगी, फिर आपको इस युति का नुकसान नहीं होगा, बनिस्पत आपको इस युति से एडवांटेज मिलने लगेगा। और बाकी मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्पेसिफिक कंसल्टेशन के लिए आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कर सकते हैं ताकि आपको आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से रेमेडी सजेस्ट की जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।